नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 का तीसरा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो इकाई स्थान का अंक बराबर x, दोनों अंकों का योग 9 है तो दहाई स्थान का अंक हो जाएगा 9 माइनस एक्स। कैसे बेटो? दो अंकों का योग 9 है। अंक क्या होते हैं बेटा? जैसे 53 लिखा तो 5 और 3 ये दो अलग अलग अंक हैं। ऐसे ही हमें दो अंक दिए हैं, कौन से हैं पता नहीं, उनका योग 9 है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इकाई स्थान वाला जो अंक है वो x है, तो दहाई स्थान वाला जो है वो 9 माइनस एक्स है। इन दोनों का योग 9 है। ठीक है, अब संख्या किसके बराबर है? कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जैसे मान लो हम एक संख्या लिखते हैं, मान लो 53, इसका मतलब क्या है? दहाई स्थान वाली जो संख्या है 5, इसको 10 से गुना कर दो। इकाई स्थान वाली जो संख्या है 3, उसको 1 से गुना कर दो। 5 गुना 10 50, 3 गुना 1 3, तो ये बन गया 53। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहां पर दहाई वाली संख्या स्थान पर है 9 माइनस एक्स, तो ये 9 माइनस एक्स को हम गुना करेंगे 10 से, क्योंकि यह दहाई वाले स्थान पर है, प्लस इकाई वाले स्थान पर है एक्स, इसको गुना करेंगे 1 से। ठीक है, ये होगी संख्या। देखो 10 गुना 9 होगा 90, माइनस ये 10 9 से भी गुना होगा, एक्स से भी, माइनस 10 गुना एक्स हो जाएगा 10x, प्लस एक्स गुना 1 है एक्स, तो ये बराबर आ गया बिना एक्स वाई जेड वाली रकम है 90, और ये है माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1x निकाला 9x, 7 में साइन बड़ी रकम का माइनस, तो हमारी जो संख्या आ गई वो आ गई 90 माइनस 9x। इस बात को हमने याद रखना है कि ये हमारी संख्या है। ठीक है बच्चों, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। एक संख्या के अंकों का योग 9 है, हो गया। इस अंक संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदल दो, इसका मतलब क्या है कि जो अंक इकाई वाले स्थान पर था अब वो दहाई वाले स्थान पर आ गया x, जो अंक दहाई वाले स्थान पर था अब वो इकाई वाले स्थान पर चला गया 9 माइनस एक्स। तो अब नई संख्या किसके बराबर होगी? फिर से वैसे ही दहाई वाले स्थान को 10 से गुना कर दो, 10 गुना एक्स, प्लस इकाई वाले स्थान को, इकाई पे है 9 माइनस एक्स, इसको 1 से गुना कर दो, तो ये आ गया 10 गुना एक्स है 10x, 1 से ये गुना होगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 9 माइनस एक्स, तो ये आ गया 10x माइनस 1x 9x प्लस 9। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई नई संख्या, ये हमारे पास आ गई नई संख्या। क्वेश्चन के हिसाब से संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, इसका मतलब यह जो नई संख्या है यह पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नई संख्या है 9x प्लस 9, यह ज्यादा है किससे? पुरानी संख्या से। कितनी? 27। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, इसका मतलब जो पुरानी संख्या है इसमें 27 प्लस कर देंगे तो यह नई संख्या के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे 10 6 से 4 बड़ा है तो 6 में 4 प्लस कर दोगे तो 10 के बराबर, ऐसे ही नई संख्या
पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो पुरानी संख्या में 27 प्लस कर दो तो वो नई संख्या के बराबर आएगा। इसे हमने हल करना है कैसे, एक्स वाली रकम में एक तरफ ले आओ, नो एक्स, ये माइनस नो एक्स है उधर आके हो जाएगा प्लस नो एक्स, इधर बच गया 90 प्लस 27 प्लस नो है उधर आके हो गया माइनस नो, नो एक्स प्लस नो एक्स हो गया 18x बराबर 90 प्लस 27 माइनस नो, 27 माइनस नो होता है 18, 90 प्लस 18 हो गया 108, तो x किसके बराबर आ गया 108, 18 इसके साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग, तो जब 108 से 18 भाग होगा तो ये कटेगा 6 पर, तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या निकालना है, दी गई संख्या, तो हम यहां लिखेंगे दी गई संख्या, ये हमें निकालनी है, x नहीं निकालना, दी गई संख्या। अब दी गई संख्या किसके बराबर है, देखो इकाई स्थान था, दहाई स्थान था, संख्या ये थी, याद है मैंने कहा था, देखो इसको याद रखना बच्चों कि ये है आपकी दी हुई संख्या, है ना, ये है, ये तो थी नई संख्या लेकिन ये है पुरानी संख्या, दी गई संख्या है 90 माइनस नो एक्स, तो दी गई संख्या है 90 माइनस नो एक्स, यानी कि 90 माइनस नौ गुना एक्स, एक्स कितना आया 6, यानी कि 90 माइनस नौ छिके 54, तो 90 में से 54 माइनस कर दिया तो आया 36, इसका मतलब जो हमें दी गई थी संख्या वो कितनी थी, 36 थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का हल निकाला है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के जरिए ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आपको ये प्रश्न समझ आया तो कृपया एक लाइक हमारी वीडियो को जरूर करना, आपकी लाइक से ही हमें मेहनत से वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।